बड़ा ही सिंपल सवाल है कि रंगून से क्या एक्सपेक्टेशन है, बट जवाब देना बहुत मुश्किल है। विशाल भारद्वाज की फिल्म है और अपने छोटे से करियर में वो इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े फिल्म मेकर बन गए, तो बहुत मुश्किल होता है कि उनकी फिल्म जब भी आने वाली होती है, अनाउंस होती है, तब से देखने का मन करता है। और हर एक फिल्म में कोई अनोखापन है, कहानी कहने का तरीका जो सिनेमा है विशाल भारद्वाज का वो अलग ही है, उस पर उनका एक छापा है। और उसके ऊपर शाहिद मेरे फेवरेट स्टार हैं, उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला बट बहुत मन है। कंगना का मैं उनको बोल चुका हूँ कि तुम्हारी जब फैन लोगों की लाइन लगेगी सबसे आगे मैं खड़ा हूँ, मैं ये मेरे बहुत फेवरेट स्टार हैं। और सैफ को तो बहुत पहले से उन्होंने झंडा गाड़ा हुआ है, तो बहुत ही अनोखी टीम है, अनोखी बोले तो बहुत ही प्यारी टीम है। और जब ऐसी हस्तियाँ जुड़ती हैं और साथ में आती हैं तो यू रियली लुक फॉरवर्ड टू क्या होने वाला है। और जैसे पहले बोला मैंने आपकी कि विशाल की फिल्मों ने हमेशा मेरे को बहुत इंस्पायर किया है मेरे काम में, साथ ना सिर्फ मेरे काम में, हमारे जितने बाकी फिल्म मेकर हैं, यंग डायरेक्टर्स हैं और कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स हैं, उनको उनसे बहुत प्यार भी है और बहुत जलन भी है, क्योंकि वो सबसे अच्छा काम भी करते हैं बट हमको सिखा के भी जाते हैं। जी देखा है जी, ट्रेलर तो ट्रेलर होता है, फिल्म फिल्म होती है। ट्रेलर का अपना मकसद होता है कि वो एक झलक दिखला जाए और आपके अंदर एक ऐसी उत्सुकता पैदा करे जो आपका मन करे कि आप थिएटर में जाएं। एक बात ज़रूरी है, ज़रूर है कि ट्रेलर देख के ऐसा ही महसूस हुआ कि ये फिल्म बड़े पर्दे पे देखनी चाहिए, ये छोटे पर्दे वाली फिल्म नहीं है कि चलो अब आज मैं बिज़ी हूँ, मैं एक महीने बाद देख लूँगा जब शोकेस पे आएगी, ये वो वाली फिल्म मेरे को ऐसी महसूस होती नहीं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की उसकी लास्ट वो INA ब्रिटिश इंडियन आर्मी, एक हिस्ट्री का एक जो बैकग्राउंड है उसमें एक भारतीय इतिहास का, मॉडर्न इतिहास का एक पहलू है और उसके ऊपर एक लव स्टोरी उसमें गढ़ना कोई आसान काम नहीं। विशाल जी के हर फिल्म में कहीं ना कहीं एक चैलेंज दिखता है, हमको एक बिग चैलेंज होता है, तो इसमें कितना नज़र आता है वो चीज़ आपको? मैंने जब भी विशाल फिल्म बनाते हैं तो इससे पहले अगर आपने हाई जंप 6 मीटर का मारा था तो वो बार को ऊपर करके 7 मीटर कर देते हैं, तो जब आपकी बारी आती है आपको 7 क्लियर करना होता है, जब तक आप 7 क्लियर करना सीखते हैं वो 8-9 पे पहुंच जाते हैं, तो बहुत तो वो हमेशा ही रेजेस द बार एज वी से इन इंग्लिश। और बड़ा ही मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क। ऑल द बेस्ट। हाँ क्या करूँ,